दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमल सदाना की। कैसे उनकी 20वीं सालगिरह बन गई मैयत का मंजर, किसने किया कत्लेआम, क्या हुआ उनके परिवार के साथ उस दिन, आइए मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, कमल सदाना बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक एक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं। ये वही कमल सदाना हैं जिन्होंने फिल्म बेखुदी से काजोल के साथ डेब्यू किया था। ये कहानी शुरू होती है उनके पिता ब्रिज सदाना से। ब्रिज सदाना बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक सक्सेसफुल फिल्म डायरेक्टर थे। उन्होंने 60 से 80 के दशक में प्रोफेसर प्यारेलाल, नाइट इन लंदन, चोरी मेरा काम, एक से बढ़कर एक जैसी कई हिट फिल्में दीं। उनकी पत्नी यानी कि कमल सदाना की माँ थी सईदा खान, जो एक अभिनेत्री थी। सईदा और ब्रिज सदाना के दो बच्चे थे, एक बेटी थी नम्रता और एक बेटा कमल सदाना। ये लव स्टोरी वास्तव में एक हॉरर स्टोरी निकली। ब्रिज सदाना को पीने की आदत थी। ब्रिज और सईदा के बीच अक्सर झगड़े हुआ करते थे किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर। ये तीसरा कौन था, इसका खुलासा मीडिया में कभी नहीं हुआ। इन झगड़ों की वजह से दोनों बच्चे काफी डिस्टर्ब्ड रहते थे। ऐसे ही एक झगड़े के दौरान सईदा अपने बच्चों को लेकर ब्रिज सदाना का घर छोड़कर चली गई। ये बात 70 के दशक की है। ब्रिज ने उनका पीछा किया। उस वक्त वो पिए हुए थे। उन्होंने सईदा के नए घर के अंदर आना चाहा, पर सईदा ने उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया। तब ब्रिज ने वॉचमैन से सीढ़ी मंगाई, जिसे चढ़कर वो बालकनी के रास्ते घर में अंदर जाना चाहते थे। वॉचमैन ने मना कर दिया। तब गुस्से में ब्रिज ने अपनी जेब से एक रिवॉल्वर निकाली और हवा में गोलियां चला दी। इस घटना से सईदा डर गई। उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में FIR लिखवाया, जिसके बाद वो रिवॉल्वर ब्रिज से जब्त कर ली गई। समय गुजरा और 80 का दशक आया। 80 के दशक में जब आतंकवाद बढ़ा, तब ब्रिज ने ये कहकर अपनी रिवॉल्वर वापस ले ली कि उन्हें टेररिस्ट से धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं और उन्हें ये रिवॉल्वर अपनी पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। उस वक्त ब्रिज का करियर भी अच्छा नहीं चल रहा था और मियाँ बीवी के बीच झगड़े भी बहुत बढ़ गए थे। फिर आई साल 1990 में कमल सदाना की 20वीं सालगिरह। उस दिन सवेरे ही ब्रिज और सईदा के बीच झगड़ा शुरू हो गया था। कमल को अब तक इन झगड़ों की आदत हो गई थी। वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल पड़े और वापस आए आधी रात को अपने दोस्तों के साथ। कमल का कमरा पहली मंजिल पर था, जहाँ कमल अपने दोस्तों के साथ थे, जब नीचे से उन्हें गोलियां चलाने की आवाज़ आई। वो दौड़ के नीचे गए तो देखा कि उनकी माँ और बहन के शरीर खून से लथपथ पड़े थे। सामने ब्रिज खड़े थे, हाथ में बंदूक लिए, नशे में धुत और गुस्से से भरे हुए। उन्होंने अपनी बंदूक उठाई और कमल पर दाग दी। ये गोली कमल के गर्दन को छूते हुए निकल गई। इसके बाद उन्होंने एक और गोली चलाई, जो कमल के दोस्त की कलाई पर जा लगी। कमल के दोस्तों ने फटाफट सभी घायलों को बाबा हॉस्पिटल पहुंचाया। वहां कमल की माँ और उनकी बहन को ब्रॉड डेड बताया गया। कमल के भी गर्दन से खून बह रहा था, लेकिन बाबा हॉस्पिटल में इसके ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी। कमल को फिर हिंदुजा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाते वक्त भी कमल को अपने पिता की चिंता थी। उन्हें पता था कि गोलियां चलाने के बाद ब्रिज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। बाद में पता चला कि उनके पिता ने खुदकुशी कर ली थी, वही रिवॉल्वर अपने मुंह में रखकर गोली चला दी थी। इस भयानक हादसे का कमल पर बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने इसके जवाब स्पिरिचुअलिटी में तलाशने की कोशिश की, पर उनके हाथ कुछ न लगा। काफ़ी समय वो इन सवालों से जूझते रहे, फिर किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और फिल्मी करियर शुरू किया फिल्म बेखुदी से। बाद में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी शुरू की और करकश, विक्टोरिया नंबर 203 जैसी फिल्में बनाई। जिस घर में ये हादसा हुआ था, वो घर बाद में तोड़कर उसकी जगह एक हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई। इसी बिल्डिंग के एक पेंट हाउस में कमल रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी। दोस्तों, अक्सर भारत में देखने को मिलता है कि जब कोई शादी नाकाम हो जाती है, तो माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचकर अलग नहीं होते।
आपकी राय में क्या ये ठीक है? अगर कमल सदाना के माता पिता पहले ही अलग हो गए होते तो क्या उनका परिवार आज जिंदा होता? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।